हेलो दोस्तों, अगर आप कॉमेडी के शौकीन हैं और कॉमेडी शो देखना आपको पसंद है तो आपके दिमाग में पहला शो आता होगा द कपिल शर्मा शो। इस शो से जुड़े हर कलाकार ने जैसे किरदारों में जान फूंक दी हो, पलक ऐसा किरदार बन गया जिसने हर घर में किक्कू शारदा को लोकप्रिय बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा शो के कैरेक्टर पलक के बारे में, जिनका रियल नेम है किक्कू शारदा। इसके साथ साथ ये बच्चा यादव और वकील दामोदर के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए भी शो में जाने जाते हैं। और इनका कॉमेडी तो इतना दमदार होता है कि ऑडियंस हंसे ना तो ये हो ही नहीं सकता। और आज यही वजह है कि किक्कू शारदा इंडिया के हर घर में पॉपुलर है और सभी इनको जानते हैं। इनके रियल नेम से ज्यादा लोग इनको बच्चा यादव और पलक के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे राजस्थान के छोटे से शहर से ताल्लुकात रखने वाले किक्कू शारदा आज इंडिया के टॉप कॉमेडियंस में से एक बन गए हैं, और इनका सफर कैसा रहा है और क्यों ये अपने वाइफ को काफी लकी मानते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहे इस वीडियो पर एंड तक। किक्कू शारदा का जन्म 14 फरवरी 1975 को राजस्थान के जोधपुर में एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था, और साल 2022 के हिसाब से ये हैं 47 इयर्स के। इनके फादर का नाम अमरनाथ शारदा है और इनकी माँ का नाम रीता शारदा है, और इनके दो भाई हैं जिनका नाम सिद्ध शारदा और सुदर्शन शारदा है। किक्कू का असली नाम राघविंदर शारदा है और किक्कू इनका निकनेम है। इनका खुद का रियल नेम इतना लंबा लगता था जिस वजह से ये अपने निकनेम से ही फेमस हो गए। इनके फैमिली का टेलीविजन इंडस्ट्री से कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। इसके बावजूद किक्कू शारदा ने ये ख्वाब देखा कॉमेडी करने का, और इनको बचपन से ही कॉमेडी करना और एक्टिंग करने का काफी शौक रहा है। और वो कहते हैं ना, जिसके अंदर कुछ कर जाने की जुनून हो तो वो कुछ भी कर ही लेते हैं। इसी जुनून के साथ किक्कू शारदा मुंबई आए थे अपने सपनों को पूरा करने। मुंबई आने के बाद ये कई सालों तक ड्रामा स्कूल ज्वाइन किए। इसके बाद कई सालों तक अपना एक्टिंग और कॉमेडी को बेहतरीन किए। इसके बाद ये ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिए। ये कई सारे मूवीज के लिए ऑडिशन दिया करते थे, लेकिन स्टार्टिंग दिनों में इनको काफी रिजेक्शनों का सामना करना पड़ा। किक्कू बताते हैं कि कभी उनके मोटापे को लेकर तो कभी उनके बदसूरत रूप को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन किक्कू कहते थे, मानो मुझे ऐसी आदत ही हो गई थी, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज है कि मैं किसी को हंसा सकता हूँ, मैं अच्छा कॉमेडी कर सकता हूँ। इसी भरोसा और उम्मीद के साथ मैं लगातार ऑडिशन देता रहा। इसके बाद ये कई सारे हॉरर कॉमेडी फिल्म में छोटे मोटे रोल प्ले करते हुए नजर आए, जैसे साल 2003 में फिल्म डरना मना है में, इसके बाद साल 2006 में फिल्म फिर हेरा फेरी, साल 2007 में फिल्म धमाल, साल 2014 में हैप्पी न्यू ईयर, और साल 2020 में ये फिल्म जवानी जाने मन, और इसके साथ साथ साल 2020 में अंग्रेजी मीडियम में भी नजर आ चुके हैं। काफी स्ट्रगल करने के बाद लकीली ईयर 2001 में इनको फिल्म मिट्टी से डेब्यू करने का मौका मिला, और इस फिल्म में इन्होंने कस्मा के भूमिका को प्ले किया था। इन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी टेलीविजन सीरियल हातिम से, और इस सीरियल में इन्होंने हाबो के कैरेक्टर को प्ले किया था। इनके इस कैरेक्टर से इनको काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। इसके बाद साल 2006 से लेकर साल 2014 तक इन्होंने सब टीवी के कॉमेडी शो एफआईआर में कांस्टेबल मुलायम सिंह गुलगुले का कैरेक्टर प्ले किया, और इनका ये कैरेक्टर काफी पॉपुलर हुआ था। लेकिन इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया साल 2013 में, जब इनको कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक और बच्चा यादव के कैरेक्टर को प्ले करने का मौका मिला। ये इसे इनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और ये मानो इंडिया के घर घर में फेमस हो गए। साल 2016 से लेकर अभी तक ये द कपिल शर्मा शो में काम कर रहे हैं, और इस शो में ये अलग अलग किरदार निभाते रहते हैं, कभी बच्चा यादव तो कभी बम्पर, कभी लच्छर और कभी पलक के दमदार कैरेक्टर में कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा ये साल 2019 में हिंदी वेब सीरीज बू सबकी फटेगी में भी दिखाई दिए थे। बात करें इनके
पर्सनल लाइफ की तो साल 2003 में जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम ही रखा था तभी उनकी शादी प्रियंका से हो गई थी और उनके दो बच्चे भी हैं आर्यन और शौर्य शारदा। किकू अपने पर्सनल लाइफ को लेकर इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं क्योंकि अपने पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से दूर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने वाइफ और बच्चों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दे किकू शारदा अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी को बेहद लकी मानते हैं क्योंकि उनके आने के बाद ही किकू को वह सफलता मिली जिसकी वो तलाश कर रहे थे और दूसरा उनके हर अच्छे और बुरे समय में प्रियंका उनके साथ रही है, इसलिए किकू अपनी वाइफ को अपने लाइफ में लकी मानते हैं। बात करें इनके एजुकेशन की तो इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जोधपुर से ही कंप्लीट की है। इसके बाद ये मुंबई चले गए और मुंबई के नरसी मोजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस से अपनी कॉमर्स की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड रिसर्च से MBA किया। बात करें किकू के लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सी की तो बता दे वैसे किकू तो हैं काफी मजाकिया स्वभाव के, लेकिन वो भी विवादों में आ चुके हैं। 13 जनवरी 2016 को किकू ने किसी फंक्शन में हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की मिमिक्री कर दी थी, जिसके बाद उन्हें हरियाणा पुलिस गिरफ्तार कर लिए थे। बाद में 1 लाख रुपए के निजी जुर्माना के साथ उनको छोड़ा गया था। बात करें इनके इनकम की तो किकू शारदा एक एपिसोड में काम करने के लिए लगभग 5 से 7 लाख तक चार्ज करते हैं। इसके साथ साथ इनका इनकम फिल्म से भी होता है और ये एक फिल्म में काम करने के लिए लगभग 2 से 3 लाख तक चार्ज करते हैं। एक्टर किकू शारदा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और ये अभी तक लगभग 30 से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुके हैं। बात करें इनके टोटल नेटवर्थ की तो साल 2022 के हिसाब से इनका टोटल नेटवर्थ है लगभग 20 करोड़ रुपए। बात करें इनके कार कलेक्शन की तो ये कई सारे लग्जरी कार के मालिक हैं। इनको गाड़ियों का काफी शौक है और यही कारण है कि इनके पास BMW, ऑडी, इसके साथ साथ मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार की कलेक्शंस हैं। सो गाइस, ये थी किकू शारदा की लाइफ से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन और उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।